Launching. Uh, I think this is, I think it has come out very well sound wise and visuals also. So I think we are going to see some exciting stuff. But first thing, I'm honored that I got to work with children. I think it's like uh, they say, no, children are equal to God. And I think these kids have been amazing and uh, very naughty, very fun. Non stop energy, sir. and uh, I think we used to get tired, they never got tired, so it it was a great honor. And the cast, I got lucky to work with uh, very, very popular actors. Uh, I mean, uh, Surviji has played uh, uh, Tuntun Mausi, then Makranji has played Skandi's character, Navneet Korp, she played uh, Takshika's character, and Anupam sir plays Guru Shambhu's character. One thing I saw was that when uh, uh, of course our uh, raja indra is uh, uh, also here so yeah. Yeah, so, uh, so one thing what i've learned from Anpam sir is like when i first time i had to direct him i was very very nervous obviously is the so when i saw him act what i realized was the difference between a good actor and a great actor like in the moment i walked in he made me Revised the script. He made me improvise my script, which he didn't have to, but he corrected whatever mistakes I was. I was a first-time director. He understood that and he corrected me a few things, uh, and he guided me rightly. And the shot taking was outstanding. I think one of the scenes in the film was where we go. He had like uh, in what everybody.

मतलब पांच मिनट के लिए एट अ थिएटर एट अ थिएटर एंड देन आई टोल्ड सर आई सेड सर डोंट टेक मी डोंट लेट मी डू द म्यूजिक लेट मी पिच फॉर इट एंड आप मुझे बताइए आपको कौन सा गाना चाहिए आपका मेन गाना क्या है तो टाइटल ट्रैक uh, था एंड आई कॉल्ड जुनेजा जी हु इज द लिरिसिस्ट जुनेजा जी हैं ही इज ऑल्सो हेयर ही केम टू द स्टूडियो जुनेजा जी एंड रोड द लिरिक्स आइए जुनेजा जी आइए so, आइए प्लीज इतना खूबसूरत लिखा है तो जुनेरा जी वेरी ग्रेसफुली केम टू द स्टूडियो एंड हमने बोला छोटा भीम तो आना ही है गाने का लेकिन ऐसा कुछ लिखना है जो uh, बहुत लाइक like, जबान पे चढ़ जाए गाइस ही हीज़ डन द लिरिक्स फॉर द एंटायर एल्बम फिनोमिनल लिरसिस्ट एंड इन्होंने आके 10-15 मिनट जुनेजा की खासियत यह है कि वो पाँच मिनट लगाते हैं काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते उन्होंने मैंने उनको उन्हों बोला कि जी ऐसा है छोटी पिक्चर है जो अपना छोटे बच्चों की पिक्चर है छोटा भीम है यू नो द कैरेक्टर इट्स फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन तो कुछ बढ़िया लिखिए तो ही केम अप विद डिग डिगी डमडम डिगी डिगी डम वहीं के वहीं पांच मिनट में, में मेलेडी बनी और हमने वो उतना सेक्शन बना लिया डिग डिग्गी डमडम डिग डिगी डम छोटा भीम 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 गिटार लेके एंड देन दैट मच इज द सेक्शन दैट आई कॉल राजीव जी एसेट सर दिस इज वॉट वी हैव डन अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हम इसको और डेवलप करेंगे एंड ही हर्ड इट ही हर्ड इट साउंडिंग फैबुलस प्लीज गो हैड And that's how Diggy Diggy Dum Dum happened. And then I roped in uh, Jyotika. I also got uh, a lot of other child artists who have performed on this track and uh, on the track that Sean uh, has sung. One of them is my son, Kian Sachar, who's also oh. here. Come here. Ooh. Come on, Kian. Come. So he has also sung uh, a couple of lines in the film. This is his first ever film. It's a very proud moment for me also to have. माई ओन संग एट यू नो सिंग एंड इज इट्स बिन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल बच्चों के साथ जब तक खुद के बच्चे नहीं होते ना तब तक बच्चों से इतना प्यार नहीं होता जब खुद के बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चों से बहुत प्यार हो जाता है तो ज्योतिका ऑल्सो केम वेरी ग्रेसफुली एंड डिड दीज लाइन्स सो थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा आप लोग मेरे साथ गाएंगे आप तो इतनी बार सुन चुके हैं

और आपको सोच में कोई शायरी नहीं दिखानी है आपको कुछ ज़्यादा उर्दू कोई गहरी बात नहीं करनी आपको वो कहना है जो एक बच्चा सोच सकता है आपको उस लेवल तक अपने आप को ले जाना है तो लिखना है ताकि आप कनेक्ट हो सको बच्चों से तो ही सर के साथ बैठे आई थिंक हमने हर गाना ऑन द स्पॉट बनाया हमने कोई होमवर्क नहीं किया बैठे सर आ जाओ आके बैठे दो घंटे तीन घंटे बैठे कुछ ना कुछ वर्कआउट हो गया है ये ऊपर बच्चों की फिल्म बहुत कम बनती है जबकि बहुत ज़्यादा बननी चाहिए मुझे पिछली वाली बचपन की वही बम बम बोले गाना बना था पता नहीं कितने साल पहले वही मुझे गाने का मौका मिला था उसके बाद से मुझे नहीं लगता कोई बच्चों की फिल्म या बच्चों का कोई गाना भी बना हो उसके बाद हम डिग डिगी डमडम सुन रहे हैं अभी और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो बच्चे हैं ना बिल्कुल बच्चों की तरह इनिसेंस जो होती है ना एकदम उनमें वो सारी पूरी कास्टिंग जो इतनी कमाल हुई है कि सब में जैसे हैं वैसे ही नज़र आ रहे हैं Uh, नहीं तो कई बार बच्चे कुछ ज़्यादा अपना वो बच्चा दिखाने ज़्यादा क्यूट बनने जाते हैं ना तो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है लेकिन ये बहुत ही नेचुरल बच्चों ने काम किया है एंड ऑफ कोर्स साकिब के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम इतना uh, मतलब ऑलराउंडर कंपोजर शायद बहुत कम है कि लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से अब जी तो क्या चालीस इंस्ट्रूमेंट सीख लें होंगे 41 वन फोर्टी वन हाँ एवरी ईयर ही लर्न अंस्ट्रूमेंट टू एक्चुअली इट्स होल्डिंग ए बैक वरना अब तक सौ दो सौ इंस्ट्रूमेंट और सीख लेते हैं और सिंगर अभी इतना अच्छा लाइव उन्होंने परफॉर्म किया और सारा इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन हर म्यूजिक की हर पहलू पर उनकी दखल है वेरी क्यूटेस्ट बॉय इट्स रियली वेरी नाइस तो इसका एकफाज है जो जिससे ये मुझे हमेशा बुलाता है सुखी जी <laughs> जब भी फोर सुखी जी गाना करेंगे सुखी जी अच्छा फिर मेरा भी जवाब करो महाराज करो करेक्ट exactly so like एक this. दिल लगी आई है जो बात मेरे कहने से अच्छी नहीं है वो पहले भी अच्छी थी मैं एक जरिया बन गया कि एक कंटेस्टेंट बन के नहीं गा सकते मलंग होना पड़ता बस है ना तो वो मैं जब गया तो मैंने आ, ये फिल्म जो सॉन्ग है इसकी पिक्चराइजेशन देखी मैंने कहा फटाफट से माइक लगा दे। <laughs> उसके बाद मैं गाना सीखता रहा समझता रहा शब्दों को उ, उनका उच्चारण भी तो मज़ा ही आया बहुत मज़ा आया एंड आई रियली मस्ट से थैंक कि राघव ने मुझे कंसीडर किया टू सिंग दिस और बच्चों की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा गुड लक है कि मुझे बहुत अच्छा लग मैं फिल्म भी देखने जा रहा हूँ ना कि प्रीमियर मैं ऑडियंस के साथ भी देखूंगा और वो मुझे मै रियली वेरी मच एक्साइटेड छोटे छोटे किड्स छोटे छोटे किस तरह से नेचुरल जैसे ईशान ने कहा कि नेचुरल फॉर्म में वो एक्ट कर रहे हैं कुछ भी बनावटी नहीं है मुझे बहुत बेहद पसंद है कि मैं आज भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ मुझे लाइट हार्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये फिल्म देखूंगा ज़रूर देखूंगा मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी और अनुपम जी मैं दो म्यूजिक डायरेक्टर मिले इस गाने में मुझे राघव और एक अनुपम जी पूछ लो आप अच्छा। अनुपम जी का एक्सप्रेशन देखता था गाता था एक्सप्रेशन देखता था में गाता था Correct. तो मैंने इनको कहा मैं क्या दो दो म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे घेर रखा है सो ही इनहेंस डेट फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो मैं जब अनुपम जी को देखता था ये तो बड़े ही एक्सलेंट ना कि एक बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर ही बट बड़े मनमौजी हैं yeah. बहुत लाइट हार्टेड एंड वेरी मच सन्सियर अबाउट हिज कंटेंट इन एवरी फिल्म और राघव थोड़ी मेरी तरी तुरफ तो नहीं करनी तुझे मैंने करनी है क्यों नहीं करनी oh. सुखी जी द बिगेस्ट बिगेस्ट किड इन दिस entire रूम में सुखी जी बाय द वे 100% मतलब कि इनसे ज्यादा एनर्जेटिक बंदा अभी स्टूडियो आ जाते हैं ना तो हम लोग सब लव यर ऑन आर टोज बिकॉज you डोंट नो what ऑर्डर इज going टू कम फ्रॉम वेयर यहां माइक लगाओ वहां पे मेरे को डिले चाहिए यहां से ये यह हटा दो यहां से सब कुछ कर दो एंड देन द results when we रिकॉर्डेड आई was आफ्टर हिम आई was लाइक like, सुखी जी मैं आपके पीछे पढ़ने वाला हूं, सो so प्लीज़ मुझे, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं आपको बहुत फ़ोन करूंगा। आपने ये गाना करना है आपकी आवाज़ में ये गाना मतलब चार चांद लग जाएंगे गाने में एंड ही वेरी 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 स्वीट यू सेट ठीक है हंड्रेड परसेंट करेंगे गाना फिर हम लोगों का जब फाइनली जिस दिन स्टूडियो आए उस दिन उन्होंने देखा अनुपम साहब को परफॉर्म करते हुए बिकॉज वी हैड द वीडियो एंड एज ही लुकिंग एट हिम ही वॉज एक्सप्रेसिंग एंड ही एडिड सो मच मोर टू द सॉन्ग जो पहले नहीं था गाने में वो आपका स्टार्टिंग वाला जो है पूरा का पूरा पंजाबी जो वाइब दी है ये उन्होंने मतलब बैठे बैठे मनोला वाह भाई और हर में हमेशा होता है सुखी जी के साथ अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आपने जो गाना बनाया था वो गाना वैसा नहीं रहने वाला <laughs> oh और वो अंदर का बच्चा कितनी बार जगा, वो हमें पता है वैसे तो दिखता ही रहता है पहले दिन तो मुझे लगा मैं थक गया इनके हाथ बिकॉज इनके सवाल इनकी कोशिश इनकी सादगी और इनकी स्पॉन्टेटी yeah. उसको मैच करना बड़ा मुश्किल है बट दे आर सच विल्ड्रन इसके तो अभी बाल हैं पहले तो मेरा और इसका हेयर स्टाइल सेम था अभी <laughs> इसके <laughs> बाल आ गए सब ने बहुत अच्छा इट्स इट्स वंडरफुल एक बहुत फेमस डायरेक्टर uh, ने कहा है हॉलीवुड के कि व्हेन चिल्ड्रन आर इन द फ्रेम डोंट एक्ट बिकॉज नो बडी इज लुकिंग एट यू एंड दैट्स ऑनेस्टी बिकॉज यू कांट मैच द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चिल्ड्रन बट दिस वॉज अ क्रैश कोर्स फॉर मी दिस वॉज ए कम्प्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इन द चाइल्ड इन यू, बिकॉज़ वो जिंदा रखता है और वो यंग भी रखता है तो मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत मुझे प्यार दिया इन लोगों ने और हमने काफी सारे मस्तियां भी की मैंने इनके लिए कुछ खाना वाना भी मंगवाया था एक दो बार डोनट्स 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 बर्गर फ्रेंच फ्राइज सब मंगवाए थे और इनको सब कुछ याद रहता है सब कुछ याद रहता इनको शान को नया गाना गाए तो याद नहीं होते वर्डिंग्स तो <laughs> 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 <फ़़़ी है। laughs> मगर इन्होंने सब आपको वर्डिंग बता दिया मेरे डायलॉग भी बता सकते हैं इट वाज इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस थैंक्स टू राजीव एंड मेघा एंड थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग इन रेगिस्तान में हम उधर जोधपुर में शूटिंग कर रहे थे इट वॉज वेरी हॉट बट द रिजल्ट है आई थिंक इट्स इट्स सो सो कलरफुल। कलरफुल मैंने मैंने आज आज कपड़े पहने वरना मुझे मुझे ब्लैक, ग्रे, पहनने को को मिलता है, तो मुझे लगा कि आज मैं इस एनर्जी को मैच करूंगा, एंड जिंदगी में कभी रेड पैंट नहीं पहनी है थैंक यू फॉर मेकिंग मी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू थैंक यू सो मच सर राजीव सर सर ने कुछ याद करने की कुछ सीखने की बात की इस फिल्म के साथ कौन सी चीज़ें जो हमेशा याद रह जाएगी और आपने सीखी सर अनुपम सर अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड इट मीन्स अलॉट टू अस तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आई थिंक वेन वी स्टार्टेड मेकिंग दिस फिल्म हमारे लिए एक चैलेंज थी वो चैलेंज फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग वॉज हाउ नोवन हैज मेड रिसेंटली किड्स फिल्म And how do we make this kid's film not just at a uh, level of Bollywood but also level of international. Yes. So the, our goal was not thinking about today yep. but planning for the tomorrow. We need to make a film that will not only be story wise good but visually also it has to be stunning. So this was the first mission for the, uh, for this, uh, for the movie yes. which means we had to get high caliber actors. absolutely, And and of course, from Anupam sir to Makran Deshpande ji yeah. to uh, Nav Navneet Kaur, Sanjay ji. Uh, Sanjay ji can please, uh, we forgot to call you. He's played Raja, please please come onto the stage. He's played uh, Raja Indra Varma, uh, the king of Dolokpur. And uh, he's done a fabulous job. So we had to, we had to get, we had to make sure that we have actors. Ho, that was the first thing. and then, obviously, jitna visuals, achey utna music, chahiye tha. so we were able to uh, get raghavji, like, of course, when i met him, first time i was very confused. Sara <laughs> <laughs> talent, so i was i took my own time. so it started with one song, then it became two songs, four songs, then the background score, the yeah. entire film is handling. so, uh, and what so is damian also the most, bhi bhi the most important, the most important is the voice of damian.

हनुमान की सेना में बंदर का था आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड और उसके बाद आज पहली बार मैंने ये गधा अपने कंधे oh. पर लगाई लिटरली अपना जी रहे हम लोग मैं आज बड़ा भीम हूँ <laughs> आज सर भीम बन गए अरे वाह क्या बस ऐसे मेरे जीना आराम करते थे मेरे को बोलने नहीं देते थे बोल रहा हूँ इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे हाथ से माइक छीन लिया तुमने <laughs> <laughs> right. So, uh, Megha, ma'am, quickly, you know, we come to you, producer. Kithaurpe nahi, ki but as a as a cine lover, what do you have to say if you have to, you know, sum up this entire thing? जो we have Like you can see, we all are very excited, very very excited for the movie. A big thanks, and we're really honoured to be on stage with Anupam Sir, uh, Sukhwinder paaji, Sir, everybody. I mean, it's been a great experience working with. सच बिग एक्टर्स इतने दिग्गज कलाकार एंड ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं लाइक दे आर लाइक सुपर छोटा पैकेट बड़ा धमाका लाइक आई ऑलवेज से दे नो वॉट टू से वेन टू से सुपर एनर्जी यू ऑल हैव सीन हाउ वी आर प्रोमोटिंग द मूवी गोइंग टू सिटीज ऑल द किड्स सिर्फ कहने की बात नहीं है जब आप उनके बीच में जाओ तो देखने को मिलता है कि वो सारे बच्चे सच में भीम को कितना प्यार करते हैं एवरीबडी दैट वी हैव मेड दिस मूवी एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट ऑडियंस हमको उतना ही प्यार देगी जितना आज तक छोटा भीम कार्टून को मिलता आया है और बहुत दिल से बनाई हुई चीज है उम्मीद कर रहे हैं कि दिलों तक पहुंचेगी और उनप राज आई एम श्योर थिएटर से सीधे दिलों तक इकतीस तारीख को आ, जी ये भीम की है पक्का यस yes. देख लिया रियली ओह थैंक यू बता दिया मेगा uh, जी ऑफ़ कोर्स वी नो यू प्लेइंग कैरेक्टर सो सो थैंक यू मच उस उस अवतार के लिए भी अनुपम सर बच्चों के साथ काम करना हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस होता है आपने बताया अभी कि कितना मजा आया आपको uh, कुछ बचपन की यादें अगर आप अपने अंकल वो बहुत पॉपुलर शो था उसमें मैंने एक छोटे से तीन साल के बच्चे से पूछा था या दो साल का था मैंने कहा कैन यू काउंट तो उसने कहा यस वन टू थ्री फोर फाइव फिर मैंने कहा कैन यू गो हायर कहती यस yes. उसने कुर्सी खींची उस पर चढ़ी कहती है वन टू थ्री फोर फाइव नो आई थिंक इट्स बहुत कुछ इनसे मिला और ये आज के युग के बच्चे हैं आप इनसे वैसे नहीं मैंने बहुत सारी फिल्मों में बच्चों के साथ काम किया तो ये वैसे बच्चे नहीं है जो बोलते हैं अंकेल अंकेल मैंने वह नहीं है दे आर वेरी स्ट्रेट दे आर वेरी मॉडर्न चिल्ड्रन दे आर वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग दे आर अवेयर ऑफ देयर मोबाइल फोन यू कैन लर्न एक्चुअली यू कैन सेट डाउन एंड लर्न फ्रॉम देम सो मेनी थिंग्स आई मीन आई आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट आई डोंट गो ऑन सेट एज अ पर्सन हु नोज वट ही इज डूइंग आई गो एज अ ऑन द सेट एज अ पर्सन हुई इज सीकिंग समथिंग फ्राम एवरीबडी और इन दोनों में से कौन सा था जो ज्यादा शरारती है ये मैं, मैं 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 तो थोड़ा कंफ्यूज थो थो एंड और, थो और ये मुझे लगता है पैदा ही हुआ था भीम का कर रोल करने के लिए छोटा <laughs> भीम का कर रोल करने इज वेरी मिच्योर वेरी वेरी काम वेरी नाइस इज वेरी नॉटी एंड ये तो जो है चुप नहीं रहता ये इसको चुप रहना नहीं आता है अभी भी तो बोलता ही जा रहा है इसको चुप रहना नहीं आता सो दे वॉज सो मच स्पॉनिटी एंड एज राजीव सेट इट्स एक्चुअली एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिल्म द स्पेशल द वी एफेक्ट आर सो सो गुड सो वील रिक्वेस्ट द ऑडियंसिस टू वॉच दिस फिल्म विद द चिल्ड्रन माँ बाप को एक साथ फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता बिकॉज या तो बच्चों के लिए फिल्म होती है या फिर माँ बाप के लिए होती है या फिर

इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और पर गाने से पहले या गाने के दौरान इनका फोन आया इन्होंने कहा कि मैंने आपकी एक्टिंग देख के गाना गाया है तो बड़ा बड़ा रेयर होता है मैंने सिंगर सिंगर लाइक लाइक यू 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 अमेजिंग कॉल्स एंड आई थिंक इमोशन क्लियर हो जाए इमोशन कन्वे हो जाए तो डांस ही उसका होता है मैं एक्टिंग का डांस करता हूँ अनुपम जी योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा जी uh, film, हाँ जी पहले आपसे सवाल है फिर सुखविंदर जी से मेरा सवाल ये था सर आपके 40 साल पूरे हुए इंडस्ट्री में और ये इंसिडेंट है क्या उसका सेलिब्रेशन आप छोटा भीम के साथ कर रहे हैं नहीं डे बिफोर यस्टरडे मैंने 40 साल पूरे किए बट तो ऐसा लगता पलक झपकते गुजर के असली काम तो अब शुरू किया है इतने साल तो मेहनत कर रहा था अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ काम का ये साल जो है वो दीज आर जस्ट नंबर्स आई फील दैट फॉर ए पर्सन और बेस्ट चीज़ है कि हमारी एक्टिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है आप नब्बे साल की उम्र में भी अच्छी काम कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो काम करे बट थैंक यू टू छोटा भीम टीम फॉर सेलिब्रेटिंग फोर्टी ईयर्स ऑफ माई अब मैं इसको प्रिटेंट कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए ही रखा है <laughs>

डे आई हैड द गुड of ऑफ हैविंग हिम एट द स्टूडियो यू नो एक चीज होती है आप किसी को पर्दे पर देख रहे हैं आप कुछ सीख रहे हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस डेढ़ घंटा हमने टाइम स्पेंड किया उसके अंदर उन्होंने गाना भी गाया उन्होंने मेरे साथ शूट भी किया उन्होंने गिटार भी पहनी उन्होंने ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं सालों से जानता हूँ एंड दैट इज वॉट इज ब्रिलियंट अबाउट अ पर्सन लाइक अनुपम सर दैट आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं और उस आदमी को ऐसा लगे कि आप सालों से उनको जानते हैं अब मेरी तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई और आपको बहुत बहुत फंकी चीज देखने वाले हैं हमारी तरफ से आई थिंक दिस सेलिब्रेशन और दिस इवेंट इज फॉर छोटा भीम लेट्स कंसंट्रेट ऑन छोटा भीम एंड आस्क क्वेश्चंस ओनली अबाउट छोटा भीम मैं तो हूं ही और अगले 40 साल तक मुझे झेलना है आप <laughs> लोगों को बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस चिल्ड्रन हियर आप लोग कहां से आए हैं बच्चों भूख भी लग रही है इनको <laughs> पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं <laughs> अब आपने जिक्र किया मैं बता दूं आपको एल जस्ट कम टू यू मिसेस निदर्शना रमेश गोवानी जी हैं हमारे साथ हु इज अ एंड ऑफ कोर्स ओनर ऑफ कमला मिल्स मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पे आइए शी इज आल्सो द फाउंडर एंड ट्रस्टी ऑफ कमला अंकीबाई बाई चमंडी राम गोवानी करेंगे थर्टी फर्स्ट को थैंक यू और कोशिश करेंगे की जूह पर ही करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये पिक्चर दिखाएं थैंक यू सो मच सो नाइस थैंक यू सो मच वी गुड कमान तो बच्चा पार्टी जल्दी से आ जाओ ऊपर